हाँ तो भैया जी कैसे हो आप? बढ़िया। तो भैया जी कुछ दिन पहले हम गए थे एबटाबाद, तो आज की इस वीडियो में मैं कहानी लेके आया हूँ मिशन एबटाबाद की। तो शुरू करें। ठीक हो गया इतने बैग बाबा रख दे विच गंड मार हो गनी गंड मार रहे थाला गुड भी पाना वो शूज ही ने खैर ही है। अच्छा यार अभी बज रहे हैं रात के डेढ़ डेढ़ बज चुके हैं और अभी तक हम निकले नहीं हैं। गुड्डू साहब दियाँ फनकारियाँ नहीं मुक रही हैं। सामा साहब भुखे अजला तो भुखे बैठे ने पीछे सुकून मोहल्ला खाई जा रहे हैं। अर्ज करा कुछ कर अर्ज हाँ तो भाई साहब हमने एबटाबाद की धरती पे प्रवेश कर लिया। सही क्या मैं के गलत क्या बैठा? और अभी सबसे पहले नाश्ता करेंगे और जड़ी भुखी बाह मेरे नाल आई हो पहले ही फिटा मल के बह रही है। ठीक है कितने देर का रास्ता है? तकरीबन आपका घंटा पौना घंटा लग जाएगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत शुक्रिया। यार उधर क्या पहुंचना है यार, रास्ते ही इतने खूबसूरत है, रास्ते में इतने नज़ारे जबरदस्त किस्म के हैं कि हर जगह पे रुकने को इंसान मजबूर हो जाता है, ऑटोमेटिक मजबूर हो जाता है। यार देखो बैकग्राउंड देखो, कमाल कर गए पांडे जी, कमाल ही कर गए।
हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल पे, ठीक है, वो अभी इधर से तकरीबन 30 मिनट का सफ़र है, ठीक है। अभी जो अगला सीन है वो जाके सीधा शूट होगा अम्ब्रेला वाटरफॉल पे। तो फाइनली हम जा रहे हैं। हाँ तो भैया जी, फाइनली हम पहुँच चुके हैं आबशार के बिल्कुल किनारे पे, ठीक है। अब गाड़ी पार्क कर लिए पार्किंग पे और अभी हम जाएंगे नीचे पैदल। इन्होंने और बहुत ही काली है मेरे तो, बाकी बाकी तो आगे चले गए हैं, मैं और उफामा जो वो पीछे रह गए। उफामा साहब कम हेयर, लो जी ये बंदा नाल ही होंगे मेरे साथ साथ किना मरना बंदा चौके खाना पैसा। हाँ तो अभी आगे वाला रास्ता जो है ना वो हमने पैदल तय करना है, थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक है। उसमें साथ सबसे पीछे रहेंगे वो, इस वजह से कि ये सबसे लंबे हैं। अगर कोई फुड़क छिड़क गया, मतलब कोई तिलक गया, कोई फिसल गया, तो वेख लेगा उतू अच्छा करके लम्बा है ना बुर्ज खलीफा। मैं कहना वाह चल दे पेगे साप पे बड़ा ठीरा वे आले डरावना। अच्छा यार इंतहाई डरपोक बंदा है जेड़ा साडा ड्राइवर है, मेरे नाल नहीं जांदा, कहंदा डर लग रहा मैनू, या कहंदा मेरे तो अगे चालियां पीछे लो। अच्छा यार उसामा साहब कह रहे हैं कि यार मैं थोड़ा सा ना मोबाइल पे अगर फोकस करूं तो फिर नीचे से ये पता नहीं चल रहा कि पाँव कहाँ पे रखना और कहाँ पे नहीं रखना, ठीक है। तो रास्ता तो आपको सबको पता है ये डेंजरस होता है, पाँव फिसल भी सकता है, तो लेकिन कोई बात नहीं है, हमने कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेना। तो बाकी हाँ उसामा साहब ने पूछ लो यार, पहाड़िए ने इतने रहे ने सारी जिंदगी। अच्छा मशवरे हर बंदा इस तरह दे रहा है जिस तरह पदाइशी है थोड़े ने। अच्छा यार दोस्त चले गए हैं, मैं सिर्फ कैमरे की वजह से थोड़ा आराम आराम से आ रहा हूँ, डर भी लग रहा है ना फिसल ना जाऊँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पीछे रह रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, शेर हमेशा आगे रहता है। अभी मैं दुड़के लगा के जाऊँगा और उनके पास आगे है ना, आप जाएंगे ना इधर से रास्ता जा रहा है ना उधर, आप नीचे जाएंगे ना। अच्छा उधर से आगे जाना है, ठीक है, इधर को जी अबशार आगे है जो। ये क्या फिर, ये वैसे ही पानी आ रहा है ना, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जी। सही है, थैंक यू। हेलो सर, वो अभी काफी नीचे जाना है। मोहन साहब सामान भर लियो, बाकी खैर है। ओए मड़ा आ जाओ यार, यार आइया नीचे जाना, वहाँ पर जाना, ठीक है। ये तो बहुत 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 लंबा सिस्टम है यार, मत वजह नहीं है वैसे।
हाइकिंग बहुत मुश्किल है, दुनिया नहीं बहुत है। खुश्क हो गया कुछ पर चौधरी दो दे यार कुछ नहीं होता ਉਹ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਟ ਲੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਜੇ ਲੋਗੀ ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਾ ਕਾ ਹੈ ਉਸ ਬਰਕ ਉਸਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ उधर कंपेयर कभी कोई नहीं सोता हुआ आज फिर दो जने नहीं तीजे का पता नहीं दो जने नहीं आज केड़ा केड़ा पीला हां चाटे वो बड़े टशन थे हैं तो वापस आ लगे हैं इंच दी हालत है ना ध्यान नहीं कर सकते हम थोड़ा ही अच्छा यार पानी एक चीज है हाइकिंग से ना स्टैमिना टेस्ट हो जाता है उठा जा फानू पता चल गया फर्ज कितना कुछ टाइम जी गाइस तो फाइनली आप शहर वाला सिस्टम ख़त्म ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है ठीक है अभी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ ठीक है तो अगला ब्लॉग शुरू करेंगे इस्लामाबाद जाके तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।